मैं प्रोजेक्ट के घर से निकल दू क्यों? हमें हमारे घर में ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो घर में रहता ही ना हो। इसको निकालो भाई, हमें नहीं चाहिए। सही बात है। स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है, बड़ा ऑब्वियस है। हेलो यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। मेरा नाम है आर्यन और कैसे हो आप सब। तो आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर लेते हैं। एक तरफ निश्चय मलान और फुकरा इंसान के बीच में हुई लड़ाई, तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिला कि अदनान को लोग काफी कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से जेल में भेजने की मुंबई पुलिस से मांग कर रहे हैं। तो तीसरी तरफ हमें देखने को ये मिला कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में मोदी जी ने खुलकर समर्थन किया। तो चौथी तरफ हमें देखने को ये मिला कि ध्रुव राठी इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं अपने कंट्रोवर्सी को लेकर के। सारी की सारी वजह को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं फुकरा इंसान और निश्चय मलान, जिन्हें हम यूट्यूबर टिगर इंसान के नाम से भी जानते हैं। इनके बीच में आपस में क्यों हुई लड़ाई? क्योंकि फुकरा इंसान अपने घर में काफी ज्यादा समय नहीं बिताते हैं। एक बार ये वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। घर से निकल तो क्यों? हमें हमारे घर में ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो घर में रहता ही ना हो। इसको निकालो भाई, हमें नहीं चाहिए। सही बात है, अभी ये घर का मेंबर थोड़ी है। अबे तू जा, निकल निकल। देखो कल मैं आया एक कितने दिनों बाद घर पे था। कितने दिनों बाद क्या करा? एक महीने में एक दिन घर पे रहा। उसमें भी तेरी वीडियो बनवाई। मेरी वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है? 10 मिनट बैठ गया। इम्पोर्टेंट है तू भाई, तू रहने दे, घर पे नहीं चाहिए हमें। तू इम्पोर्टेंट है तभी तो हम कहते हैं ना, तू घर पे रह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अदनान 07 जो कि टीम 07 के मेंबर हैं, वो इस टाइम पे काफी वायरल हो रहे हैं। उनकी एक वीडियो जिसमें लोग मुंबई पुलिस को टैग करते हुए उन्हें जेल में भेजने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अदनान फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए फ्लैग अपने हाथ में लेते हुए ये वीडियो बनाई थी। एक बार वीडियो को देख लीजिए। To my nigga Pac, live my life until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got me tossing. जिसकी वजह से लोग अदनान को काफी हेट कर रहे हैं, ट्विटर पे काफी गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, मुंबई पुलिस को टैग करके इन्हें जेल में भेजने की मांग कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में दोनों ही देशों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, फिलिस्तीन का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, जिसने 1000 मिसाइल 20 मिनट में इजराइल के ऊपर छोड़ा। हजार से ज्यादा लोग इसराइल के मारे जा चुके हैं इसराइल की वजह से। ये युद्ध काफी टाइम से चलता आ रहा है मस्जिद अल अक्सा को लेकर के। मुसलमान कहते हैं ये मेरी मस्जिद है, तो यहूदी क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि ये हमारी मस्जिद है। तो इसी के ऊपर मोदी जी ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि हमें काफी दुख हुआ इस युद्ध से, जो आप लोगों को नुकसान हुआ। इसराइल को साफ साफ मोदी ने समर्थन दिया, कहा कि हम आपके साथ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ध्रुव राठी की कंट्रोवर्सी की तरफ। ध्रुव राठी ने अपना एक नया वीडियो अपलोड किया था, जिसे उन्होंने काफी कम समय में डिलीट भी कर दिया। उस वीडियो में ध्रुव राठी ने साफ साफ मैसेज ये देते हुए कहा कि लोग पावर की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है, बड़ा ऑब्वियस है। इसराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाड जैसी, उनसे कम्पीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर्स है इसराइल। तो इतनी पावर के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो हमास जैसे लोग हैं, जिन्हें इसराइल टेररिस्ट मानता है, अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है उसी लेवल। तो चलिए गाइस, अब तक की वीडियो में जानकारी थी इतनी ही। आगे कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट करें।